जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पूज्य गणेश जी का प्रकाट्य हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष ये दिन धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर जगह गणेश जन्मोत्सव की धूम मची रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वहां सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आप भी अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, वो कौन सी बातें हैं ये जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के लिए आप हमेशा बैठी हुई मुद्रा और बाईं ओर झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा ही अपने घर लेकर आएं। इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। गणपति जी की ऐसी मूर्ति लाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप गणेश जी की जब भी प्रतिमा घर लेकर आएँ, आप हमेशा सिंदूरी रंग की प्रतिमा ही अपने घर लेकर आएँ, क्योंकि इसे सबसे उत्तम माना जाता है। चतुर्थी पर इस रंग की प्रतिमा घर पर लाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अगला नियम जो है वो ये है कि आप गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा का चुनाव करें। गणपति की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण माना जाता है। इस दिशा में गणेश जी को स्थापित करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये देवी और देवताओं की दिशा होती है। दोस्तों, अगला है कि आप गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले आप उस पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर स्वच्छ कर लें और उसके बाद वहां पर एक साफ़ चौकी बिछाएं, उसके ऊपर एक साफ़ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर प्रतिमा को स्थापित करें। कभी भी भगवान की प्रतिमा को सीधे ज़मीन पर या किसी भी चौकी पर नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, ये वो कुछ नियम हैं जिन्हें आप गणपति की स्थापना करते समय ध्यान रखें, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।